अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट, ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर नंबर फर्स्ट। हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो हम उसी को ना कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इन प्लांट्स, रॉस। रॉस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये क्या है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है जिनमें हमने पढ़ा था हाइड्रोजन परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है, सिंगलेट ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वगैरह आते हैं। ये क्या कॉज करते हैं? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है इट्स अ सेकेंडरी स्ट्रेस, ठीक है। और प्राइमरी स्ट्रेस क्या होती है? प्राइमरी स्ट्रेस होती है सेलिनिटी या वाटर लॉगिंग। और उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रेस बनती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसे बनती है? जब से जब जनरेशन होती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की या रॉस की, जनरेशन के बाद क्या बनती है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनती है। तो हम ये देखते हैं इस स्कीमेटिक डायग्राम में यही प्रेजेंट किया गया कि हम ये देखेंगे बनते कैसे हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ना। तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है सबसे पहले सिंगलेट ऑक्सीजन है, ठीक है, सिंगलेट ऑक्सीजन है। सिंगलेट ऑक्सीजन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करके, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन रहा है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद देखिए उसके ऊपर क्या आ रहा है, एक डॉट का निशान भी आ रहा है और एक माइनस का निशान भी आ रहा है। जो डॉट है ना वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये रेडिकल को शो करता है। रेडिकल के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मैंने आपको नोट्स भी शेयर किए थे, ठीक है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब भी किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर डॉट का निशान आएगा, हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेडिकल से। तो पहले ये सिंगलेट ऑक्सीजन था, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब के बाद वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन गया। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो वो सुपर ऑक्साइड बन गया। सुपर ऑक्साइड क्या है? पहला रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, मतलब पहला जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉजिंग एलिमेंट कौन सा है? सुपर ऑक्साइड। एनायन क्यों हम इसे बोल रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। डॉट जो उसके ऊपर लगा हुआ है ओ टू डॉट और आगे नेगेटिव, डॉट शो कर रहा है कि ये एक रेडिकल है। और माइनस का साइन क्या शो कर रहा है? कि ये क्या है? एनायन। एनायन्स और कटायंस का पता है ना आपको, कटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ओके, फिर आगे ये सुपर ऑक्साइड दो तरह से फ्यूज कर जाएगा, एक स्पॉन्टेनियस डिसम्यूटेज, ठीक है, दूसरा SOD। स्पॉन्टेनियस डिसम्यूटेज JBB क्या है? स्पॉन्टेनियस डिसम्यूटेज। दो तरह के रिएक्शंस होंगे। ये स्पॉन्टेनियस डिसम्यूटेज है, इसमें क्या होगा कि जो सुपर ऑक्साइड है इसमें से फिर क्या निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखा आगे E- ये इलेक्ट्रॉन का साइन होता है, ये निकल जाएगा और ये किसके साथ अटैच हो जाएगा? टू प्रोटॉन्स के साथ, मतलब टू हाइड्रोजन आयंस के साथ मिल जाएगा। जब ऑक्सीजन के अंदर से अलोंग विद ऑक्सीजन, ये जो हमारे पास रेडिकल हमें नज़र आ रहा है इसके साथ, और इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इसका टू एच पॉजिटिव मिल जाएंगे तो ये क्या बना देगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। सबसे पहला क्या था? सुपर ऑक्साइड एनायन, उसके बाद क्या बना? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर हो गया। अभी हाइड्रोजन परऑक्साइड दो तरह से चलेगा, एक हार्बर विजन रिएक्शन होगा और एक ये कैटालिसिस वाला रिएक्शन होगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है CATGPX APX, ये है कैटालिसिस ग्लाइको CAT कैटालिसिस, GPX ग्लाइको फॉस्फो फॉस्फेट, और ये है एपीओज फॉस्फेट। ये सारे के सारे जो है ना वो इंजाइम्स हैं, ये कैटालिसिस हैं सारे के सारे, ठीक है, जो रिएक्शन को करवाएंगे। दो तरह से रिएक्शन होगा, एक ये कैटालिसिस वाला ग्लाइकोलेज परऑक्सीडेज, एपीएज परऑक्सीडेज और कैटालेज। CAT क्या है? कैटालेज। GPX ग्लाइकोलेज परऑक्सीडेज, APX एपीएज परऑक्सीडेज। ये क्या है? कैटालेजेस और ऑक्सीडेजेस हैं, ये इंजाइम्स हैं, रिएक्शन कराएंगे। एक ये रिएक्शन होगा H2O2 से जो वाटर बनेगा उसमें ये कैटालिसिस इन्वॉल्व होंगे। दूसरे को हम कहेंगे हार्बर वीज रिएक्शन। ये हार्बर वीज रिएक्शन में क्या बनेगा? H2O2 से हाइड्रोक्सिल रेडिकल, जो क्या है? रॉस है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है। क्लियर। हम रिपीट करते हैं इस स्कीमेटिक डायग्राम को कि स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या बताया हुआ है कि सबसे पहले सिंगलेट ऑक्सीजन है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से क्या होगा कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसमें क्या एडिशन होगा?
इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड एनायन में। सुपर ऑक्साइड एनायन फिर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस डिसम्यूटेज रिएक्शन के जरिए जाएगा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके साथ दो प्रोटॉन लगेंगे और क्या बन जाएगा, सेकेंड रॉस बन जाएगा, सेकेंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बन जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर दो रिएक्शन में डिवाइड करेगा, एक कैटालेसिस और परऑक्सीडेसिस वाला रिएक्शन होगा और एक हार्बर वीज रिएक्शन होगा। कैटालेसिस और परऑक्सीडेसिस वाला रिएक्शन में क्या होगा कि ये H2O2 वाटर में चेंज हो जाएगा, और हार्बर वीज रिएक्शन अगर होगा तो ये जो रॉस है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है, ये नेक्स्ट थर्ड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी में चेंज हो जाएगी, जो क्या है, हाइड्रोऑक्सल रेडिकल। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ रॉस, जो हम पहले पढ़ के आए हैं उसको हमने स्कीमेटिक डायग्राम में देखा है, उसको हम इस डायग्राम में भी देख लेंगे। इसमें भी देखें, पहले ट्रिपलेट ऑक्सीजन स्टेट है, मतलब ऑक्सीजन है O2 की फॉर्म में, ठीक है, एक के पास भी एक रेडिकल है, एक दोनों जो ऑक्सीजन O2 है ना, मतलब दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, दोनों एटम्स के पास क्या है, एक एक रेडिकल मौजूद है। सिंगलेट ऑक्सीजन में क्या कर दिया कि एक ने अपना रेडिकल दूसरे को दे दिया, दूसरे के पास दो, एक के पास कोई भी नहीं। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है कि एक के पास एक होता है, दूसरे के पास दो होते हैं। पर हाइड्रोक्सिल रेडिकल के पास क्या होता है कि उसके साथ ऑक्सीजन के पास क्या है, एक है, एक ऑक्सीजन के पास क्या है, दो है, उसके साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में दोनों ऑक्सीजन के पास रेडिकल मौजूद होते हैं और साथ साथ एक एक हाइड्रोजन एटम भी मौजूद होता है। हाइड्रोक्सिल रेडिकल में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास एक होता है और हाइड्रोजन के पास दो रेडिकल मौजूद होते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन में क्या होता है, जो OH आयन होता है उसमें ऑक्सीजन के पास भी दो रेडिकल होते हैं और हाइड्रोजन के पास भी दो रेडिकल मौजूद होते हैं। वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन के पास दो रेडिकल होते हैं और हाइड्रोजन एटम उसके साथ अटैच होते हैं। ये आपको उनकी जितने भी हम रॉस पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रॉस में हम जो पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं ना, पहले ट्रिपलेट ऑक्सीजन है, फिर सिंगलेट बनता है, फिर सुपर ऑक्साइड, फिर परऑक्साइड, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सिल आयन, जो हम पहले स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ के आए हैं। ओके जी, नेक्स्ट है नॉर्मल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन द एयर वी ब्रीथ इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट एंड इज सिंबलाइज बाय द एब्रिवेशन O2-3। ठीक है जी, O2-3 जिस हम ट्रिपलेट पढ़ के आए हैं प्रीवियस में, आप देख लें, हमने ये ट्रिपलेट में पढ़ा है O2-3, ठीक है, सिंगल ऑक्सीजन। O2-3 का मतलब क्या होता है कि O2 है, ठीक है, और 3 इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन स्टेट लिखते हैं, अगर आपको याद हो कि हम इसमें वो लिखते हैं इसकी वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम शो करते हैं, तो हम O2 और ऊपर 3 लिखते हैं, 3 नाम लिखे तो इट्स ओके, O2 की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। ओके, मतलब जो नॉर्मल ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो नॉर्मल स्टेज में होती है, ठीक है, जिसे हम ब्रीथ करते हैं ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट में हम एटम को तब कहते हैं जब वो रिएक्शन की फॉर्म में होता है, मतलब कि अब वो रिएक्शन कर सकता है, या तो उसको कमी है इलेक्ट्रॉन की या उसके पास ज़्यादती है, या तो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है या उसके पास क्या है, डेफिशिएंसी है, अब वो रिएक्शन की स्टेज में है तो हम उसे क्या कहते हैं, ये एक्साइटेड स्टेज में है, ठीक है। और जब वो किसी भी रिएक्शन स्टेट में नहीं होता, उसके पास उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। इट इज़ अ फ्री रेडिकल, इन फैक्ट इट इज़ अ डाई रेडिकल एज इट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखा आपने कि इसमें क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिंगलेट ऑक्सीजन के पास, तो हम इसे क्या बोलते हैं, डाई रेडिकल बोलते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन स्पिन दैट इज रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल स्पिन्स। ये जो पैरेलल स्पिन आपको दो एरो के निशान नजर आ रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि जो अगर आपको याद हो एटम का स्ट्रक्चर के दरमियान में न्यूक्लियस होता है, इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, ऑर्बिट, और ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, तो ये उसी मूवमेंट की बात बता रहे हैं कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, पैरेलल मूव कर रहे होते हैं, इस वजह से दो ये एरो के निशान नज़र आ रहे हैं। हाउएवर ट्रिपलेट ऑक्सीजन कैन बी एक्टिवेटेड बाय द एडिशन ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इन द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। हम क्या यहाँ क्या हम पहले ये बात की है कि ट्रिपलेट ऑक्सीजन स्पीशी बेशक ग्राउंड स्टेट में होती है, लेकिन हम उसके अंदर एनर्जी ऐड करके उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किस फॉर्म में, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी में, ठीक है, कि ट्रिपलेट ऑक्सीजन जो है डाई रेडिकल, ट्रिपलेट ऑक्सीजन जो ग्राउंड स्टेट वाली ऑक्सीजन है, ये तीनों इसके नाम है। आपको MCQs में या किसी भी तरह क्वेश्चन में आ सकता है कि ट्रिपलेट ऑक्सीजन क्या है, या डाई रेडिकल ऑक्सीजन क्या है, या ग्राउंड स्टेट वाली ऑक्सीजन क्या है, तो वो तीनों क्या है, सिमिलर ऑक्सीजन है।
तो उसे हम क्या कर सकते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट में, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं, एक्टिवेटेड बना सकते हैं। एक्टिवेटेड कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके। एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। तो जब एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा तो वो रिएक्ट कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है तो क्या बनाएगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। इस तरह से ये ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में हम क्या करें, एनर्जी प्रोवाइड करें। एनर्जी कैसे प्रोवाइड करें, देखिए पहले में ये दो ब्लैक एरो नज़र आ रहे हैं, पैरेलल स्पिन कर रहे हैं, पैरेलल स्पिन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमने क्या कर दिया, उसको पैरेलल स्पिन नहीं कर रहे, एंटी पैरेलल स्पिन कर रहे। तो ग्राउंड ओ टू स्टेट से वो किस में आ गया, सिंगलेट में आ गया। देखिए पहले उसमें थ्री आ रहा है, थ्री सिग्मा जी ओ टू, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें से जो है, आपको पता है पॉजिटिव का निशान कब आता है, पॉजिटिव का निशान किसी भी एटम पे तब आता है जबकि अंदर उसके अंदर डेफिशिएंसी होती है। क्या होती है, उसके अंदर डेफिशिएंसी, मतलब उस वो और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और नेगेटिव का निशान तब होता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब ये सिंगलेट ऑक्सीजन कैसे बन रहा है, सिंगलेट ऑक्सीजन इस तरह से बन रहा है क्योंकि अब इसमें से जो एक एटम है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। दो एटम है ना, एक मॉलिक्यूल ऑफ ओ टू के अंदर दो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल दो एटम से मिलके बनता है, ये बात तो क्लियर है। उसके बाद जो एक एटम है वो क्या कर रहा है, जिस पर रेड निशान आ रहा है, वो अब डोनेट कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन, क्या कर देगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा दूसरे वाले एटम को। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम है उसमें से एक एटम जो है वो अपना जो इलेक्ट्रॉन दूसरे को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अब देखिए एक ने डोनेट कर दिया, एक ने एक्सेप्ट कर दिया, एक्साइटेड स्टेट में आ गए, ठीक है, और क्या बन गया, सिंगलेट ऑक्सीजन, जो कि क्या होती है, इनिशिएशन ऑफ रॉस। क्लियर होगी बात, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो आपको दो ब्लैक एरोस के साथ नज़र आ रहे हैं, दोनों के पास पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हमने उन्हें क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड की। एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या हुआ कि दोनों एक्साइटेड स्टेट में आ गए। अब एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। दोनों एटम्स एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हैं, फिर भी क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, सिंगलेट ऑक्सीजन बन गया, उसमें से एक ने क्या कर दिया, जो रेड साइन है उसने उसको डोनेट कर दिया, दूसरे ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर, क्या बन गया, सिंगलेट ऑक्सीजन। और सिंगलेट ऑक्सीजन से क्या होती है, इनिशिएशन होती है किस चीज़ की, रॉस की, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की, सिंगलेट ऑक्सीजन। इफ आउटर मोस्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैव एंटी पैरेलल स्पिन, देखिए एंटी पैरेलल स्पिन आ गया ना, सिंबलाइज क्या किया हमने, ऑपोजिट से। पहले हम कह रहे थे कि पैरेलल स्पिन है, जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट के अंदर ऑक्सीजन था उसके अंदर स्पिन क्या था, पैरेलल। अब क्या आ गया है, एंटी पैरेलल स्पिन आ गया है सिंगलेट स्टेज के अंदर। सिंगलेट ऑक्सीजन इज प्रिपेयर एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड बाई फोटोसिंथेसाइज बाय द अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। बस होता कैसे है कि जो नॉर्मल बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, मतलब कि लिविंग बींग्स के अंदर, उनसे भी सिंगलेट ऑक्सीजन बन सकता है। या जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाते हैं। ये तो आपने पढ़ा है ना, हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड। तो उस तरीके से भी क्या बन सकती है, सिंगलेट ऑक्सीजन बन सकती है, क्योंकि हमने कहा है कि वो ग्राउंड स्टेट में होती है और रिएक्टिव कब होती है, जब वो किसी भी तरह से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। वो बेशक किसी केमिकल रिएक्शन के होने वाली एनर्जी हो या फोटोसिंथेसिस में से होने वाली एनर्जी हो, वो किसी तरह से भी एनर्जी हो सकती है जिसको मॉलिक्यूलर या ओ टू एब्जॉर्ब करता है और किस में चेंज कर देता है, सिंगलेट ओ टू नेगेटिव। जो स्टार का निशान बना हुआ ना, इट्स अ रेडिकल साइन। ट्रिपलेट ऑक्सीजन कैन बी एक्टिवेटेड बाय द एडिशन ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इनटू रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। ये हम पढ़ चुके हैं कि क्या करता है ट्रिपलेट ऑक्सीजन, क्या करता है, एक्टिवेटेड हो जाता है एडिशन ऑफ एनर्जी से और ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। कौन सी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी, हम पढ़ चुके हैं सिंगलेट ऑक्सीजन। कैसे, कि पहले देखिए ट्रिपलेट ऑक्सीजन में पैरेलल स्पिन है, इसमें क्या हो गया, एंटी पैरेलल स्पिन, वो ग्राउंड स्टेट में है और ये सिंगलेट क्या है, हाईली रिएक्टिव स्टेज। इन द लाइट highly active reactive O2 singlet O2 singlet oxygen can be produced by a triplet chlorophyll in the antenna system and the reaction center। ये हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले बताया कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं,
जिसमें क्लोरोफिल आ जाता है वो एब्जॉर्ब करता है। तो हम कह रहे हैं कि उसकी मदद से भी क्या होता है, ये देखिए सी एल थ्री में फिर ये जो ओ टू थ्री है वो किस में चेंज हो जाएगा, क्लोरोफिल में, और साथ में क्या बना देगा, सिंगलेट ऑक्सीजन। अच्छा, जब हमारे पास है रीजंस ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन प्रोडक्शन, कि सिंगलेट ऑक्सीजन प्रोडक्शन होती कैसे है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेड CO2 अवेलेबिलिटी ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन वेरियस स्ट्रेस। हमें पता है कि जैसे सैलिनिटी स्ट्रेस होती है, हम ये बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं क्लास में, तो क्या होता है स्टोमेटा क्लोजर हो जाता है, ठीक है। आपको पता है ऑस्मोटिक स्ट्रेस ज़्यादा हो जाती है, पानी अंदर नहीं जाता, पोटेशियम की जगह सोडियम ले लेता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोजर हो जाता है। स्टोमेटा क्लोजर हो जाता है तो हमें पता है गैसियस एक्सचेंज बंद हो जाती है, जब गैसियस एक्सचेंज नहीं होगी तो CO2 भी अंदर नहीं जाएगा ना, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो उसकी मदद से भी क्या होता है, ये सिंगलेट स्ट्रेस क्रिएटिंग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन जाती है। द लाइफ टाइम ऑफ O2 विद इन द सेल इज प्रोबेबली 3 माइक्रोसेकेंड और लेस। 3 माइक्रोसेकेंड या इससे भी क्या होता है, लेस इनका टाइम लाइफ टाइम होता है। आपको पता है हाफ लाइफ पढ़ते हैं हम किसी भी चीज़ के ख़त्म होने की, हाफ लाइफ, तो उसके ख़त्म होने की हाफ लाइफ क्या होती है, 3 माइक्रोसेकेंड। लेकिन ये देखिए कि अगर 3 माइक्रोसेकेंड में वो ख़त्म हो रहा है लेकिन वो बन भी बहुत तादाद में रहा है, अगर वो ख़त्म नहीं होगा, बनता ही जाएगा, फिर तो प्लांट बहुत जल्दी क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो प्लांट के अंदर क्या होते हैं, कुछ उसके अपने भी मैकेनिज़म्स होते हैं अपने आप को सपोर्ट करने के, ठीक है, रेजिस्टेंट के, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन स्पीशीज को क्या करता है, ख़त्म करता जाता है। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा टाइम भी आता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और उसका वो सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या कर लेती है, उस पर ओवरकम कर लेती है और प्लांट को क्या कर देती है, डैमेज। कल हम इंशाल्लाह बाकी सुपर ऑक्साइड्स और बाकी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बाकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।